चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, चंद पापा मेरे पापा तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। सारी उम्र हमें संग रहना है, ये एतराज था कि लड़की क्यों हुई है, तो इसलिए मेरी माँ ने मुझे अकेले ही पाला है, तो माँ का जो मर्तबा है, माँ का जो महत्व है, वो मुझे नहीं लगता मुझसे ज़्यादा कोई भी जानता होगा, और आप सभी, क्योंकि माँ सबकी प्यारी होती है ना। और बड़ी अच्छी अच्छी बात कही इन्होंने, एक बात मैं भी कहना चाहूँगी, कहना है यूँ ही कोई किसी पर शैदा नहीं होता, शैदा मतलब मेहरबान, यूँ ही कोई किसी पर शैदा नहीं होता, एक है लहू का रंग अलहदा नहीं होता, और बच्चों को जन्म देने से डर जाती अगर कभी माँ, तो बेधड़क दुनिया में यूं ही कोई पैदा नहीं होता, कोई पैदा नहीं होता। उसका प्यार दिखता नहीं है, माँ का प्यार दिखता है, इसलिए लोग माँ के बारे में लिखता है, पिता का बार दिखता, पिता का प्यार दिखता नहीं है, इसलिए पिता के बारे में लोग लिखता नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि पिता प्यार नहीं करते। देखिए पिता क्या है, मैं चंद लाइनों में पेश करना चाहूंगा, उसके बाद भजन के माध्यम से बताएंगी कि माँ और पिता क्या है। इरशाद जी, इस बात को आप भी मुलाजा फरमाएं कि पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है, कि पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है, पिता है तो घर में प्रतिपल राग है, पिता से माँ की चूड़ी बिंदी सुहाग है, अरे पिता है तो सारे सपने हैं, और पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। तो मैं चाहूंगा पिता के लिए जोरदार ताली हो, जा रही है आप माँ का भजन सुनाकर, पिताजी के लिए ताली हो रही है, लेकिन मैं चाहूंगी भैया के लिए भी एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं, तो आइए स्केल भाई रखेंगे। जी जी बिल्कुल, आइए स्वागत। बोलिए एक बार, जन्म देने वाली मैया की क्या बात है, बोलिए पालन करने वाले पिता की। और देखिए माँ के लिए बड़ी ही प्यारी बात कहूंगी, बड़ी ही सुंदर बात, दुखने लागी है, माँ तेरी अखियां मेरे लिए तू जागी है, सारी सारी रतियां मेरे लिए तू जागी है, सारी सारी रतियां। कौन कौन अपनी मम्मी से प्यार करते हो, जरा हाथ उठा के ताली लगा दी कहना, क्या तू कितनी सुंदर है, तू कितनी शीतल है, तू कितनी सुंदर है, तू कितनी मेरी इंडिया भी, मेरी इंडिया भी,
आजकल क्या होता है कि बूढ़ी माँ को घर से निकाल रखा है, बूढ़ी माँ को घर से निकाल रखा है, अजीब शौक है बेटे का घर में कुत्ते को पाल रखा है, ऐसा जमाना आ गया है। लेकिन जैसा कि भैया ने बोला कि पिता जो है उनकी भी अहमियत बिल्कुल भी माँ से कम नहीं है, लेकिन ऐसा देखने को मिलता है कि लड़कों की अपने पापा से कम बनती है ना, पापा को देख के दूर से ही डर के अलग वाले कमरे में बैठ जाते हैं, लेकिन बेटियों की पापा से बहुत बनती है। सही बोला, जब बेटी पिता होती है तो सबसे पहले छुप छुप के जो आंसू बहाते हैं वो पापा होते हैं, है ना। माएं जो होती हैं वो ऊपर से तो देखने में सॉफ्ट होती हैं लेकिन अंदर से मजबूत होती हैं, लेकिन जो पापा होते हैं वो बाहर से तो मजबूत दिखते हैं लेकिन अंदर से बहुत ही कोमल होते हैं, है ना। तो एक बेटी कह रही अपने पापा से, क्या कह रही सुनिएगा। रोज सवेरे घर से निकल जाते हैं, रोज सवेरे घर से निकल जाते हैं, मेरे पापा दाना पानी लाते हैं, मेरे पापा दाना पानी लाते हैं, रोज सवेरे घर से निकल जाते हैं, रोज सवेरे घर से निकल जाते हैं, मेरे पापा दाना पानी लाते हैं। और बेटी क्या कहती है, सात समंदर पार से गुड़ियों के बाजार से, सात समंदर पार से गुड़ियों के बाजार से, अच्छी सी गुड़िया लाना, अच्छी सी गुड़िया लाना। फिर उसे याद आता है कि गुड़िया चाहे ना लाना, गुड़िया चाहे ना लाना, पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना। कौन कौन अपने पापा से प्यार करते हो, बोली जन्म देने वाले पिता की, जरा हाथों को उठाइए ऊंचे हाथ, अमिल के तालियों के साथ कहना है क्या। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है। सबसे प्यारा कौन है, है ना। बिना बोले अगर हमारे स्कूल के जूते फट जाएं तो वो जल्दी से नए हो जाते हैं, हमारा बैग फट जाए जल्दी से नया हो जाए, पापा भले कितनी पुरानी चप्पल पहन रहे हो लेकिन हमारे पास हर जरूरत की वो चीज होती है जो हमें चाहिए होती है। ऐसे पापा के लिए एक बार जरा हाथ उठाइए और तालियों के साथ कहिए क्या। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है। जोरदार ताली होनी चाहिए। और ऐसा जी बताइए, भजन गाकर आपको कितनी खुशी मिली, बहुत ज्यादा। लेकिन एक बात है ना, एक पहलू आज छूटा हुआ है, मालूम है जी, एक पहलू छूटा हुआ है, बताइए। बता दो क्या बात है, सभी चाहते हैं। देखिए भाइयों के लिए हो गया, बाबा भोलेनाथ के लिए हो गया, माँ के लिए हो गया, लेकिन बहन की बारी बाकी है क्योंकि दो दिन बाद बहनों की महापर्व है। क्या बात है, है कि नहीं। वो कहते हैं ना, मेहंदी रौली कुमकुम का त्योहार नहीं होता, रक्षाबंधन के राखी का प्यार नहीं होता, कि मेहंदी रौली कुमकुम का त्योहार नहीं होता, कि रक्षाबंधन के राखी का प्यार नहीं होता, और उसका आंगन हर वक्त सूना सूना रहता है जिस घर में बेटी का अवतार नहीं होता। क्या बात है, फूलों का तार है सबका कहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है।
फूलों का तारों का सबका कहना है, क्या कहना है कि भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। आप लोग कम से कम ताली बजा के सपोर्ट तो कीजिए, आप ही लोगों का गीत है जी। आई आई बस दो लाइनें गाऊंगी जी जी, दो लाइन कहना है, सिर्फ माहौल बना दीजिए। सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है। बोली सच्चे दरबार की प्रस्तुति पसंद है तो छोटी सी ताली बजाइए, क्योंकि कहते हैं